यूट्यूब चैनल C5 देख रहे समूह श्रोतियां दा अतिंदरपाल सिंह स्वागत करता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ च अजिहा बहुत वारी होया कि जिस वेले मौके सिर सच्चाई प्रगट की जाती है जां कुछ आगुआ नाल सवाल जवाब किए जाते ने या संवाद रचाया जाता है और वह आगू जिस वेले फेल हो जाते ने वो अपने ही मुद्दों पर अपने ही संघर्ष बारे स्पष्टीकरण देने दे मुद्दे पर तो फिर उन्होंने समर्थक हूड़मतीए मनमतीए हुड़दंगीए उपद्रवी दूजियां नूं गाली गलोच करन ते उतर आउंदे ने। ये पहला भी हुंदा सी, अज कल भी हुंदा। जब तो सोशल मीडिया आया है या प्रिंट मीडिया विच सरगर्मियां तेज हुई ने पैसे दे के खबर लवाउन वालिया उदों तो यह प्रचलन बहुत ही वड्डे पद्धर ते सिखां विच आम तौर पर चलदा आ रहा। इसकी एक बड़ी वड्डी परंपरा जी बन गई है सिखां विच ते सिख आम नागरिक नूं इस बारे सारी चीज़ की जानकारी होंदे हुए भी वो इन्हां गल्लां तो प्रभावित हुंदा और इस कदर प्रभावित हुंदा कि वह झूठ दे मगर लग तुरदा लाई लग बन के। अजिहा जिस वेले जून 84 होया उस तो बाद अफवाहां दा जोर चलिया, भिंडरांवालिआं नूं जिंदा रखिया गया बहुत साल तक, जिन्होंने कहा कि वह शहीद हो गए ने उन्हां नूं गद्दार बड़ा कुछ कहा गया, गाली गलोच तक होए, डांगा सोटे भी चले। फिर जिन्हां लोकां ने जिहड़े लोग पहलां जिहड़े सबूत देंदे सी कि भिंडरांवाले शहीद हो गए उन्हां सबूतां दी प्रमाणिकता मंगदे सी, फिर उही लोग दिल्ली वाले विद्वान चंडीगढ़ वाले विद्वान दिल्ली वालिआं दी लाई लगी चाह के फिर आपे ही कहन लग गए संत शहीद हो गए। कौम ने नहीं पुछया कि भाई तुहाडे कोल किहड़े नवें प्रमाण आ गए, तो जिन्होंने पहला किया सी उन्हां नूं इह हुण कहन वाले शहीदां ने कि संत शहीद हो गए किसी नूं भी उन्होंने उस मजमे च बोलन तक नहीं दिता, सवाल तक नहीं करन दिता। फिर एक दौर चलिया, वह दौर बड़ा लंबा चलिया पंथक कमेटियां दा, भाई जसबीर सिंह रोडे दा यह दौर चले, फिर दलजीत सिंह बिट्टू दा, उस तो पहला गुरजीत सिंह दा। इन्हां दौरां विच भी जिस वेले कुछ नामवर सिख संघर्षशील सिख इन्हां तों स्पष्टीकरण मंगदे सी तो उन्हां नाल काली गलोच होया जांदा सी। फिर दौर चलिया सिमरनजीत सिंह मान दा, उसने तो इंतहा ही कर दिती क्योंकि उदों सोशल मीडिया भी नाल आ गया सी, बहुत सारे मीडिया उदों तुर पए सी ते इन्हां सारिआं ने डांगा लै लै के गाली गलोच कर करके कौम दा नामवर बंदियां दा भी चिंतनशील बंदियां दा भी सच नाल तुरन वाले बंदियां दा भी सच लिखन वाले बंदियां दा भी मच मार के रख दिता। अजिहा ही एक दौर हुण सरदार अमृतपाल सिंह ने शुरू किया होया, ये चलता ही रहेगा क्योंकि हुण भी उहदे जिहड़े फेक आई डी, अच्छ फेक आई डी का जमाना भी आ गया, बंदे ने वो हाथ धो के मगर ही नहीं पैंदे इस कदर नीच पद्धर ते उपद्रवी बन के गुंडागर्दी दिखाते हैं अते गाली गलोच करते हैं कि जिस का कोई सानी नहीं बचा। अजिहे ही माहौल विच पंथ अपनी भविख की लड़ाई लड़ता पिया, लगता तो बड़ा ताजुब वाला अते बड़े ही बिगड़ैल साना वाला घोल है पर पंथ तुरदा पिया। इस विच हो की रहा गल नूं समझण दी लोड़ है ते मैं बेनती करांगा कि जिहड़े लोग दिमाग तो सखणे हो गए ने, बुद्धिहीन हो गए ने, मंदबुद्धि हो गए ने, वो इस वीडियो नूं हुणे ही छड्ड दे ना देखण अगे क्योंकि उन्हां नूं कुछ भी समझ नहीं आउणी, तो फिर गाली गलोच करन तो बेहतर है कि तुसीं पासे हो जाओ। बाकी गाली गलोच नाल मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि मैं सिख कौम नूं
जो कंध ते सिख कौम दी कंध ते सिख कौम दे आगुआ ने लिखिया, सिख कौम दे दुश्मना ने लिखिया, वो इबारत पढ़ के सुनाऊंगा ता जो कौम संभल सके। मेरिया नाल गाली गलोच विच किसे नूं की जाना, उन्हां दा अपना आप ही बुरा होना। तो इसलिए मैं कदे ना सिमरनजीत सिंह मान वेले प्रवाह की, ना पंथक कमेटियां वेले की, ना गुरजीत सिंह वेले की, ना दमदमी टकसाल वेले की, ना भाई जसबीर सिंह रोडे वेले की, मैं नहीं करता। मुद्दे की गल ते आउंदे आ कि गाली गलोच करन वाले साइड ते हो जाण, अगे ना वधण, उन्हां दे दिमाग विच पैण वालियां गल्लां नहीं ने। वर्तमान सिख कौम दा बहुत ही संगीन भरपूर अते बुरके दे अंदर हो रही साजिशां दे अधीन सिख कौम नूं निगार पहुँचाउण वाला आ चुका है। इस विचों सिख कौम भविख की लड़ाई लड़ती पई है। वो भविख की लड़ाई किवें ते किस आधार ते लड़ी जा रही है, वो इस आधार ते लड़ी जा रही है कि जिधर आम बंदे दा वहीर तुर पई है, मूड हैगा कि यह काम होने चाहिए ने, या जिधर भीड़ तंत्र तुर पिया, उस भीड़ तंत्र दे तुरदे तुरदे दे अगे अपने छपक घोड़े दौड़ा के मीडिए नू खरीद के और अते होर डीप सरकारां दे अंसरां नाल मिल के जिधर नू भीड़ अते उपद्रवी समाज तुरदा पिया, उस दे अगे जाके खड़ा हो जाता तो कहता मैं इन्हां सारिआं दा लीडर हाँ। और वह उपद्रवी तो तुरदे ही पे ने, उन्हां दे अगे अगे तुरना शुरू कर दिंदा, उन्हां दा ही झंडा चुक के, तो उपद्रवियों का एक मजमा एक वड्डे पद्धर ते कौम की उम्मीद बना दिंदा। इसी ऐसी ही उम्मीद जून 84 तो बाद बड़ी हारी बनाई गई, बड़ी हारी खिंडर गई। कौम दे पल्ले की पिया, इस ते कोई भी विचार करन नूं तैयार नहीं है। ते हुण भी माहौल उही है, इस माहौल विच संघर्ष चल भी रहे ने ते खत्म भी हो रहे ने। बड़गाड़ी वाला मोर्चे दा संघर्ष खत्म होने ते आ गया, उन्होंने ऐलान कर दिता कि भई साडियां मंगां पूरियां हो गईयां सी। जिहड़ा इंसाफ मोर्चा, कौमी इंसाफ मोर्चा मोहाली चल रहा, वो सारिया मंगा तो हेठा उतर के हुण दो मंगा ते पहली मीटिंग इच्ची श्री भगवंत मान दी आम आदमी पार्टी दी सरकार नाल अपड़ गए ने कि भाई हवारे दी चंडीगढ़ च पेशी पवा दिती जाए तो उसनों बुड़ैल जेल च शिफ्ट कर दिता जाए, बाकी सारी चीज़ां दे भोग पै गए ने। हुण उस इंसाफ मोर्चे विच थोड़े दिन पहला ही तुसी सुनिया होना, सरदार सिमरनजीत सिंह मान जी ने जाके बड़ा वड्डा अते बड़ा जज्बाती भाषण दिता सी। उन्होंने कहा सी मैं तीन दिन तक भारत की पार्लियामेंट के अंदर बैठा रहा, मोर्चा लाई रखिया कि बंदी सिंघां दे बारे च मैनू कुछ कहन दा समा दिता जाए, पर मैनू समा नहीं दिता गया। कि तुसी कदों मोर्चा लाओगे कि सिमरनजीत सिंह मान नूं टाइम दिता जाए, जिद्दां तुसी उत्थे पार्लियामेंट जाके कहता मैं शहीद होने को तैयार है। अजिहा झूठ बार 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 प्रचारिया जांदा, ते अजिहे झूठ प्रचारण विच ही भारत की संसद को सिख आगुआ ने या संसद मैंबर ने हमेशा इस्तेमाल किया, ते भारत दे सिखा ने भी तो विदेशी सिखा ने भी उन्होंने मानता भी दिती है, ते उन्होंने झूठ को सच मनिया भी है। तो जे बतौर मैंबर पार्लियामेंट दास ने सच दसिया कुछ प्राप्ति करके दिती तो उसनू नकार दिता, क्योंकि दास ना तो नकली मुकाबले बनाउण वाला सी, ना बनवाउण वाला सी, ना ही 92 दियां इलैक्शनां दा बाईकाट कराउण वाला सी, ना ही 84 विच कान करवाउण वाला सी, इसलिए आड वन आउट सी। पर मैं गल करांगा अज तुहाडे नाल सरदार सिमरनजीत सिंह मान दे इस सजरे पक्ष बारे कि मैं तीन दिन तक पार्लियामेंट च बंदी सिंघां दी रिहाई लई बैठा रहा, मोर्चा लाई रखिया, मैनू बोलन दा मौका नहीं दिता गया, तो उन्हें कौमी इंसाफ मोर्चे च आके अपने जज्बात जाहर कीते।
मैं वो गल तुहानू सुनाउन तो पहला कि पार्लियामेंट दे अंदर की बाकी किते किसे ने बंदी सिंह बारे कोई गल कीती, जिस ते शायद ना तो किसी पंजाबी मीडिया ने नोटिस लिया, वो लैंदा भी नहीं क्योंकि वो ही नोटिस लैंदा जिस दे उन्हों पैसे दिते जांदे ने या जो उन्हों डीप स्टेट कह देंदी है, ते ना ही किसी पंजाबी मीडिया वाले ने या पेपर वाले ने इस गल ते गौर कीता। ते मैं तुहानू एक वीडियो सुना रहा पार्लियामेंट की कि बंदी बंदियां बारे बंदियां दी रिहाई बारे भारत दी पार्लियामेंट च की कोई बोलिया बोलिया ते की बोलिया, आओ पहला उसनू सरवण। सभापति महोदय, मैं एक बहुत गंभीर बात, मैं आपका ध्यान भी चाहूंगा। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। प्रश्न है कि देश में ऐसे कितने कैदी हैं जिन्हें उनकी सजा पूरी होने के बाद भी जेल से रिहा नहीं किया गया, और इसके जवाब में माननीय मंत्री जी जो सभा पटल पे जवाब रख रहे हैं, आप मैं नहीं, ये उच्च सदन है सर, अगर हम जवाब मांग रहे हैं तो कम से कम हमें ब्यौरा तो मिले, बिल्कुल टरकाने वाला जवाब मिलेगा तो हम क्या पूछे, उसी आधार पे पूछे, उसके आधार पे पूछे। अब मेरा इस पे सप्लीमेंट्री मैं पूछ रहा हूँ, हालांकि जवाब भी बिल्कुल टरकाने वाला है, कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में 80% कैदी अंडर ट्रायल है, विश्व में 6वें नंबर पर, और इसमें भी प्रमुख रूप से दलित, आदिवासी और मुस्लिम कैदी हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल नॉट जेल, ऐसे में सरकार अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या जेलों से कम करने के लिए कौन सा उपाय कर रहे हैं? धन्यवाद धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। पहली बात तो मैं सदस्य को, माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि इस तरह की भाषा जब वो उच्च सदन कहते हैं तो पहले बोलने से पहले उनको जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। भारत के संविधान की अनुसूची 7 में सूची 2 पर साफ साफ दर्ज है कि ये प्रदेश सरकारों का मामला है, जेल और जेल में बंदी जो रहते हैं उसके प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है, केंद्र सरकार उसमें केवल सहयोग करती है। आपने जो प्रश्न पूछा है जिसमें कहा है कि 80% कैदी जेल में है, ये सही बात है, 77-78% कैदी जेल में है जो अंडर ट्रायल है, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान में न्यायालय की व्यवस्था बिल्कुल स्वतंत्र है और अंडर ट्रायल कैदियों के विषय में निर्णय लेने का अधिकार केवल न्यायालयों को होता है। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, जो उसकी प्रक्रिया है मैडम, प्लीज चले दीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया गया है वो आप एक बार सुन लें महोदय। मैं आप, नहीं, आप उसमें जो इन्होंने जवाब है उसमें कहा गया है कि एनसीआरबी आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है। सुनेंगे प्लीज प्लीज, आप आपको पता होना चाहिए अगर जवाब से संतुष्ट है जो माननीय सदस्य रहते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया अलग से पूछने की, इस पर आप सेकंड सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं। ठीक है सर, हम सेकंड सप्लीमेंट्री पूछ लेते हैं। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री ये है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने सवाल उठाया था कि देश अगर विकास की तरफ जा रहा है तो ज्यादा जेलें बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। 2019 का जो आंकड़ा है एनसीआरबी का, नया आंकड़ा गृह मंत्रालय ने उपलब्ध नहीं कराया, 1031 कैदी हैं जो सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन जुर्माने की रकम ना अदा कर पाने की वजह से जेलों के अंदर हैं। ये 2019 का आंकड़ा है। बहुत गंभीर प्रश्न, आपने सवाल बहुत गंभीर प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इट्स अ मैटर ऑफ स्टेट, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत की एक बेटी, गर्भवती महिला बिल्किस का गैंग रेप और उसके परिवार के 7 लोगों की जघन्य हत्या, प्लीज उनके कैदियों को रिहाई, क्या ये मैटर ऑफ स्टेट है कि गृह मंत्रालय भी इस पर कभी इस पर ध्यान देगा या नहीं देगा? मैटर ऑफ स्टेट, मैटर ऑफ स्टेट। माननीय सभापति जी, अभी मैं यही कह रहा हूँ कि सदस्य ने प्रश्न के उत्तर को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं। उसमें ये लिखा है कि एनसीआरबी जो स्टैटिक्स इकट्ठा करती है जेल के संबंध में, उसमें जेलों की संख्या, जेलों में कैदी, जेलों में पुरुष महिला कैदी, ऐसी विशिष्ट श्रेणी कि कौन से कैदी सजा पूरी करने के बाद भी छोड़े नहीं गए, इसके कोई विशिष्ट आंकड़े एनसीआरबी कलेक्ट नहीं करता है, यही उसमें कहा गया है। दूसरी चीज ये साफ है, आप पता कर लीजिएगा,
मैं पूरी जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूँ माननीय मंत्री जी। और दूसरा दूसरा जो इन्होंने कहा प्लीज आप अपनी सीट पर नहीं बैठिए मैडम प्लीज गो बैक। दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा है कि 2019 में ऐसे कैदी जो अपनी सजा पूरी कर चुके लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय की ये जिम्मेदारी है कि वो एडवाइजरी जारी करता है। हमने जेल प्रिजन 2016 जारी किया है जिसके माध्यम से कैदी जो सजा पूरी कर चुके हैं उनको रिहा करने की ऐसी सारी सुविधाएं हैं। उसके अलावा हम ई प्रिजन के माध्यम से हमने 100 करोड़ रुपए की लागत से जेलों में ई सिस्टम डेवलप किया है जिसमें कैदी कब आया कब गया कब सत्कार योग मेंबर दी पूरी गल तुसी सुन ली है संसद मैंबर ने। हुण मुद्दा की है कि साढ़े सिमरनजीत सिंह मान नू 3 दिनों तक मौका नहीं मिलिया या उन्हें मौका लिया नहीं। इस मुद्दे ते तुहानू चिंतन करना चाहिए कि वह आके झूठ बोल गए। इस मुद्दे ते चिंतन करना चाहिए गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी च खड़ के झूठ बोल गए। इस मुद्दे ते चिंतन करना चाहिए मैं भी इंसाफ मोर्चे जाके यही गल्लां कीतियां सन कि भई असी गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी च भी गुरपंथ खालसे नूं झूठ बोलन दे गुनाहगार बनते चले आ रहे हाँ तो फिर गुरु साड़ी भली क्यों करे बाँह क्यों फड़े। हुण पार्लियामेंट दे मुद्दे की ने पार्लियामेंट ही 0 आवर सिमरनजीत सिंह मान बोल सकता सी किसे नोटिस देन दी लोड़ नहीं हैगी है। सिमरनजीत सिंह मान ओरल क्वेश्चन कर सकता सी जिदे संबंधी कोई पहला तो नोटिस देन दी लोड़ नहीं है। सिमरनजीत सिंह मान रिटर्न सवाल कर सकता सी जिदे लई कोई पहला नोटिस देन दी लोड़ नहीं है। इस मुद्दे ते किहड़े मुद्दे ते सिख बंदियां दी रिहाई दे मुद्दे ते सिमरनजीत सिंह मान ने अजिहा कुछ भी नहीं कीता। फिर चौथा एक होर पड़ा जे सरदार सिमरनजीत सिंह मान जे चाहता तो इस मैंबर नाल अपने आप नूं एसोसीएट भी कर सकता सी उसदे इस सवाल नाल भी अपने आप नूं एसोसीएट कर सकता सी। इसे सवाल नूं लोक सभा इच भी दोबारा चुक सकता सी उसदे नाल संपर्क कर सकता सी पर सिमरनजीत सिंह मान ने अजिहा भी कुछ नहीं किया। उन्हें जो किया वो किया कि इंसाफ मोर्चे ते कौमी इंसाफ मोर्चे ते पहुँच के उन्हें कौम नू सतगुर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच फिर सराय नागा वाले नकली मुकाबले दे हिसाब नाल नकली मुकाबला बना दिता अते झूठ बोल दिता। सानू इसकी आदत पै गई है असी इन्ना चीज़ां नू असैप्ट करते हैं जो सच दसदा उन्हूं असी गाली गलोच करते हैं और गाली गलोच करन विच असी बड़ी अपनी वड्डता साबित करते हैं तो अपने आप नू महान बना लैंदे हैं। ये सिलसिला हुण फिर नवे सिलसिले तो वहीर दे रूप विच शुरू हो चुका है। इसका अंत कित्थे होएगा यह मैं नहीं जानता पर मैं जानता कि अजिहे जो काम पहला होए ने वो एक दर्जन तो वध काम पहला हो चुके ने जिन्हां दे मुतलक जो प्राप्ति हुई है वह सिफर है और उस प्राप्ति के मुतलक साढ़े ते भी सवाल कर दिता मेरे ते जाती तौर पर सवाल किए जाते हैं तुसी की हासिल किया ते मैं 20 वारी दस चुका कि मैं यह कौम लई हासिल किया। तुसी जे मनना ही नहीं चाहते तो कौम की जिहड़ी प्राप्ति हो चुकी है उन्हूं जे तुसी मिट्टी च ही मिला के दुश्मन नहीं बर्बाद करवाना चाहते हो तो फिर तुहाडे ते दुश्मन च की फर्क है। जो है सवाल करते ने तुसी की कीता मेरे यूट्यूब चैनल C5 ते पार्लियामेंट च कीतियां गईयां प्राप्तियां तुसी सुन सकते हो वेख सकते हो। अजिहा ही सवाल बड़े सत्कारयोग IAS रिटायर्ड अफसर सरदार गुरतेज सिंह जी ने भी किया सी अपने ब्लॉग विच मैं उन्होंने ही जवाब दिता सी रिटर्न जवाब दिता सी तथा सबूतों समेत जवाब दिता सी वह भी मेरी वैबसाइट पर पिया APSingh.in ते तुसी वह भी देख सकते हो ते तुहानूं पता चल जाएगा कि दास ने की किया। ते हुण उस मिना ते दास है कहना चाहुंदा कि जिहड़ियां वहीरां कत के गाली गलोच हो रहे हो उह वहीरां दसन कि तुसी इन्हां प्राप्तियां नूं असैप्ट क्यों नहीं करदे अते तुसी झूठ दे मगर क्यों लगदे हो। इन्हां पुछना तां साडा फर्ज बनदा।
इसका जवाब दे दिया जी, बड़े कृपालू होवोगे। अपने इंद्रपाल सिंह नूं इजाजत देने तो पहला इस वीडियो नूं लाइक जरूर करो, इस वीडियो नूं शेयर जरूर कर दिओ। इजाजत दिओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। सी5 चैनल दर्शकों वालों दर्शकों लई आप चलाया जाता है।